अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए दिन के आगाज से शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। लेकिन अभी दिन नहीं रहा, रात हो गई है। अब मेरे दोस्तों ने और प्लान बनाया था कि कुछ बाय डिनर करें जिनमें हमारे सर भी हैं। तो मेरी कोशिश है कि सियालकोट में जिधर भी अच्छा फूड है, बेशक वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शुअरमा, देसी कढ़ाई, कोरमा, कुछ भी है, जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो टेस्ट जैसा भी आप लोगों को बताया जाएगा, अच्छा है बुरा है, जो भी अच्छा हुआ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बुरा हुआ तो बेशक ना जाइएगा, बता देंगे हम पहले। तो अभी मैं जाऊंगा, अपने सर को पिक करूंगा, फिर अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या खाना है, किधर जाना है। तो ज़ाहिर है जिधर भी जाएंगे तो बेहतरीन जगह पे जाएंगे, यानी कि आपस में प्लानिंग कर लेंगे, जिधर कोई अच्छा हुआ उधर जाएंगे। तो जैसा भी हुआ, टेस्ट बुरा हुआ अच्छा हुआ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जी दोस्तों, काफ़ी घूमने के बाद हम आए हैं गिफ्टों पे कढ़ाई ट्राई करने। तो हमारा एक दोस्त है, वो पिज़्ज़ा बर्गर शुअरमा ज़्यादा पसंद नहीं करता, देसी बंदा है वो। तो कह रहा था यार पिज़्ज़ा बर्गर मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें, और मैं कढ़ाई खाऊंगा, मैं पहले भी खा चुका हूँ इनकी, बड़ी ज़बरदस्त है, आप लोग भी ट्राई करो। और हम सब इधर आए हैं, देखें अब कैसा टेस्ट है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं। अगर मज़ेदार हुआ आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दोस्तों ये है हमारे ब्रांच के मैनेजर सर, और ये हमारे ऑपरेशन मैनेजर भैया आते थे, और ये हमारी ब्रांच के सोए हुए कैशियर। ड्यूटी में तकरीबन 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे काम करते हैं। ये मुझे पता था अदल भाई पीछे हैं, टेंशन नहीं है। आधा किलो मलाई बोटी, बस और कुछ नहीं। ये पकौड़ा दो रायते, एक फ्रेश सलाद, बीफ बीफ पकौड़ा दो रायते, एक सलाद फ्रेश, नाल एक कोक ठंडी। आए आपने एक मुहावरा तो सुना होगा, ऊंची दुकान और फीका पकवान। यही हिसाब है कि आप सियालकोट में इतने इतने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बन चुके हैं कि पूछिए ही मत। और इसके लेवल के हिसाब से ये जो रेस्टोरेंट है गिफ्टो, उनके लेवल के हिसाब से कुछ भी नहीं है, यानी कि बेहतर है, इतना बकवास भी नहीं कह सकते। लेकिन जो आज का रेस्टोरेंट है, इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से ज़बरदस्त आलीशान, उसके लेवल में ज़रा लो है। आप चेक करें ज़रा इंटीरियर इसका। और दूसरा कि हर बात इंटीरियर पे नहीं होती, टेस्ट होना चाहिए बंदे का पास। यकीन करें कमाल की कढ़ाई बनाता है ये बंदा, कि मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने भी फर्स्ट टाइम खाई है, और यकीन करें मज़ा आ गया इस बंदे से। इतनी अच्छी अल्लाह मालिक की भी नहीं है जितनी कमाल की कढ़ाई इस बंदे की है। तो मैं तो कहता हूँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। मैंने बंदे की वीडियो बनाई है, बंदा इतना राजी हुआ है ना। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ उस बंदे की तरफ, और चेक करवाता हूँ आपको।
भाई जान बड़ा मजा आया आपकी कढ़ाई का, बड़ी टेस्टी बनी है, तो बताए जरा बनाई आपने कैसे है, क्या चीजें डाली है? लाल मिर्च होती है, हल्दी होती है, जीरा होता है, नमक होता है, दही होती है, वो सारी कढ़ाई उसमें प्याज होता है कच्चा, हरी मिर्च होती है, अचार होता है, कलमंदी होती है, एक दो चीज़ें और होती हैं। नहीं तो आपने ये चीज़ सीखी किधर थी? मैंने उधर से सीखी। किधर से? नहीं शाहीवाल। शाहीवाल से? आप भी उधर गई हैं? हाँ मैं शाहीवाल इधर, इतना अच्छा टेस्ट नहीं ना सियालकोट में। यार ये कड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है। तो कौन कौन से फ्लेवर आप बना लेते हैं सही तरीके से? माशाल्लाह हमारे पास एम 22 फ्लेवर है। 22? हाँ 22। कौन कौन से ज़रा बता सकते हैं? 22 राजस्थानी है, 4 ये रेड ऑन में है, पिशावरी है, हैदराबादी, पटोला। नहीं तो आपकी सबसे अच्छी कढ़ाई कौन सी है? हमारी मखनी राजस्थानी बहुत अलग, अचारी बहुत अलग। अचारी तो हमने टेस्ट की है ना, बड़ा मज़ा आया। मखनी है राजस्थानी बहुत अलग, हमारे साथ थोड़ी छुपी है ये बड़ा ये मसाले पड़े ना मसाले, हाँ ये हम घर में यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं और कोई, लेकिन ये चीज़ है ना घर में यूज़ करना और जब यूज़ करना बड़ा फ़र्क है, घर में ये टेस्ट नहीं बन सकता, क्या ख्याल है? हमारे मसाले की टाइमिंग होती है, हाँ 2-3-4 मिनट इसको कब डालना यही खाना ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे भाई हैं पेंडू। आई एम पेंडू, पेंडू प्रोडक्शन। असल में इनको बर्गर पिज्ज़ा वगैरह कुछ नहीं पसंद, फास्ट फूड नो, इनकी वजह से हम इधर आके कढ़ाई खाई है, बड़ा मज़ा आया। और फास्ट भाई आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत मज़ा बनाई है इन्होंने कढ़ाई हमारे लिए, तो हम पहले भी आते रहते हैं और ये भाई झूठ बोल रहा तुझे तो आया है भाई यार, पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा जो है ना आ गया हूँ, चलो यही मज़ा आया पहले भी माशाल्लाह, तो अभी भी हमारे साथ। आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। एंड और हैदर भाई का सबसे बेहतरीन फिक्रा जो बुखाना का साढ़ा यार है। कढ़ाई खाने के बाद एक दोस्त कहता है चाय पीते हैं, मैंने भी कहा चाय पीते हैं, एक कहता नहीं कहवा पीना है, उन्हें ज़िद पर कर दी, कहता है डस्के रोड पर नया रेस्टोरेंट बना है खान रेस्टोरेंट, इधर से कहवा पीते हैं बड़ा मज़ेदार है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो रेस्टोरेंट अच्छा था, सीटिंग भी कमाल की थी, और कहवे का मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया, शौक नहीं आया, कभी पिया भी नहीं था इतना फीका था, मज़ा नहीं आया था अभी, मैंने तो उसे कहा था चाय पीते हैं लेकिन फिर भी पी लिया था। जी दोस्तों, ये जिस बंदे ने कढ़ाई बनाई थी ये बंदा साहिवाल गया, और जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था तो मुझे कहता यार ये अपनी वीडियो करनी क्या है, मैंने कहा यार आपकी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे लगाऊंगा, कहता यार भाई आपको कौन सा चैनल है, मैंने कहा भाई ये वाला चैनल है, तो कहता नहीं आप छोड़े मुझे ऐसे नहीं पता लगना, आप ऐसा करें मेरा मोबाइल पकड़ें और इसमें चैनल अपना सब्सक्राइब करें, मैंने कहा ठीक है दे दें कोई मसला नहीं। तो यार मैं और एंड पे कोई बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा, यानी कि बड़ी कमाल की कढ़ाई बनाता है ये बंदा, यकीन करें मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।